अगर आप जीवन में कर्ज की समस्या का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में शनिवार की सुबह और शाम को पीपल के पेड़ की उपासना करें, साथ ही चौमुखा दीपक को प्रज्वलित करें। इसके बाद पेड़ की परिक्रमा लगाएं और समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से कर्ज कम होने लगता है और आर्थिक लाभ भी प्राप्त होने लगते हैं। इसके अलावा शनिवार को स्नान करने के बाद अपनी हाइट के बराबर एक धागा नाप लें और इसे एक नारियल पर लपेट लें। इसके पश्चात नारियल को किसी बहते जल में प्रवाहित कर लें। ऐसा करने से भी कर्ज की परेशानी से छुटकारा मिलता है। अगला जो कर सकते हैं आप उपाय, वो है मंगलवार के दिन एक नारियल में चमेली का तेल लगाकर उस पर लाल सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। अब इस नारियल को भगवान बजरंगबली को अर्पित कर दें। इस उपाय को लगातार 5 मंगलवार तक करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से कर्ज की समस्या में राहत मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा रोजाना पूजा के दौरान कुछ जो मैं मंत्र आपको बताऊंगी, उन मंत्रों का भी आप उच्चारण करें। मंत्र है, सबसे पहला जो है, ओम गंग ऋण हर्ताये नमः। ये गणेश जी का मंत्र है, आप इसको उच्चारित कर सकते हैं, ओम गंग ऋण हर्ताये नमः। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।